In today's video, discuss 7 C's for effective communication. Effective communication, किसी भी communication को effective और successful बनाने के लिए हमें कुछ rules follow करते हैं, जिनको हम जो के वो 7 rules हैं और उनको हम one by one discuss करेंगे. First one is correctness, and the second is clarity, third one is conciseness, and then completeness, and then consideration, concreteness, and courtesy. Communication के मुतालिक अगर आप बाकी videos देखना चाहते हैं जिनमें types of communication, process of communication, and barriers to effective communication, इन videos का link आपको इसी video की description में मिल जाएगा. ये videos भी आप जाके देख सकते हैं. तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन. द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आर अ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन टू इंश्योर दैट दे आर इफेक्टिव. ये कुछ प्रिंसिपल्स की लिस्ट है जिससे हमारी रिटन और ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है, इफेक्टिव होती है. The 7 C's are clarity, correctness, conciseness, courtesy, concreteness, consideration, and completeness. सबसे पहले हम 7 C's में से correctness को डिस्कस करते हैं. Correctness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. Correctness, किसी भी मैसेज की correctness में कोई ग्रामेटिकली एरर ना हो, कोई इररेलेवेंट वर्ड या कोई ऐसा वर्ड यूज ना किया गया हो जिससे उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया जाए, मिस अंडरस्टूड किया जाए. करेक्ट कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर. जो करेक्ट कम्युनिकेशन होती है उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, उसकी ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट इज द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम. जो मैसेज हम देना चाहते हैं सेम वही हो, एग्जैक्ट हो, करेक्ट हो. सेकंड, इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल. अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो उसमें इत्माद बढ़ता है, ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है. थर्ड, करेक्ट मैसेज हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस और रीडर. जो रीडर होता है, जो ऑडियंस होते हैं या उस मैसेज के जो रिसीवर्स होते हैं उनके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. फोर्थ, इट चेक्स फॉर द प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज्ड इन द मैसेज. मैसेज के अंदर जो फैक्ट्स और फिगर्स का यूज किया गया होता है उसमें भी प्रिसीजन और एक्यूरेटनेस के लिए करेक्टनेस का होना जरूरी है. फिफ्थ, इट मेक्स यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज. करेक्टनेस के अंदर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज का होना भी जरूरी है. नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटनेस. द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट. डेफिनेटली जब कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगी तो वो अनसक्सेसफुल होगी. इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस. जो ऑडियंस है, जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है या जो रीडर्स हैं, वो जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ उनके जानने के लिए ज़रूरी है, मैसेज वो सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स उन तक कन्वे करे. अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. एक कंप्लीट कम्युनिकेशन के मुदर्जा ज़ैल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. Complete communication develops and enhances reputation of an organization. किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब किसी से कम्युनिकेट करती है, अगर तो वो कंप्लीट कम्युनिकेशन है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का गुड नेम बनता है, रेपुटेशन उनकी इंक्रीज होती है, एनहांस होती है. मोर ओवर दे आर कॉस्ट सेविंग. कंप्लीटनेस अगर कम्युनिकेशन में है तो वो कॉस्ट सेविंग भी है. किस तरह?
एज नो क्रूशल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कंप्लीटनेस जब मैसेज में होती है तो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होती, एंड नो एडिशनल कॉस्ट इज इंकर्ड इन कन्वेइंग एक्स्ट्रा मैसेज इफ द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। अगर तो कम्युनिकेशन कंप्लीट है तो रिसीवर तक दोबारा से कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कॉस्ट भी सेव होती है। थर्ड, अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन वेयर रिक्वायर्ड। कंप्लीट कम्युनिकेशन की एक प्रॉपर्टी, एक फीचर ये भी है कि जहां जहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वहां पर वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। जो रिसीवर होता है या जो रीडर होता है या जो ऑडियंस होते हैं, कंप्लीटनेस की वजह से उनके माइंड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर किया जाता है और उनके माइंड में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाता। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस, रीडर्स और रिसीवर ऑफ द मैसेज एज दे गेट ऑल डिजायर्ड एंड क्रूशल इंफॉर्मेशन। जब रिसीवर को ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है तो उनके लिए डिसीजन उठाना भी या कोई चीज डिसाइड करना इजी हो जाता है। इट परसुएड्स द ऑडियंस। सबसे पहली चीज, हम जब किसी को कोई मैसेज दे रहे होते हैं तो हमारा पर्पज होता है टू परसुएड देम, हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक राजी करें, कायल करें। तो कंप्लीटनेस के लिए जरूरी है, किसी भी ऑडियंस को परसुएड करने के लिए जरूरी है कि हमारी जो कन्वर्सेशन हो, हमारी जो कम्युनिकेशन हो, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी इंप्लाइज एम्फसाइजिंग ऑन आवर स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम। एक ही मैसेज के अंदर, एक ही कम्युनिकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर मखसूस मैसेज होना चाहिए और गोल और उस कम्युनिकेशन का एक ही पार्टिकुलर पर्पस होना चाहिए। अगर हम एक ही कम्युनिकेशन के अंदर मल्टीपल मैसेजेस, मोर देन वन मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो उस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं रहेगी। और डेफिनेटली जब हम मल्टीपल मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारे मल्टीपल गोल्स भी होंगे एट अ टाइम, जो कि उसकी क्लैरिटी को, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी को इफेक्ट करेगा, रेदर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। क्लैरिटी के ये फीचर्स होते हैं, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। सबसे पहला कम्युनिकेशन में जो फैक्टर है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। सेकेंड, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इन्हेंसेज द मीनिंग ऑफ मैसेज। जब किसी कम्युनिकेशन में कंप्लीट क्लैरिटी होती है तो वो मैसेज के जो मीनिंग होते हैं उनको इन्हेंस करता है, उन मीनिंग्स को ज्यादा क्लियर और विविड करता है। क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। क्लियर मैसेज में हम एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। कंक्रीट वर्ड्स मीन क्लियर वर्ड्स। फिर हम आते हैं कंसाइजनेस की तरफ। कंसाइजनेस मीन्स वर्डीनेस। इट मीन्स कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट फॉरगोइंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। कंसाइजनेस के ये मीनिंग होते हैं कि हम अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएं बाय यूजिंग मिनिमम वर्ड्स विदाउट फॉरगोइंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन कंसाइजनेस में हमें ये भी याद रखना होगा, हम बिल्कुल मिनिमम वर्ड्स यूज करके जो हमारे बाकी सीज ऑफ कम्युनिकेशन हैं कंसाइजनेस के अलावा, हम उनको भी साथ लेके चलें। कंसाइजनेस इज अ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसाइज कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग।
जो कंसाइजनेस है उससे सेंडर का भी टाइम सेव होता है जबकि रिसीवर का भी टाइम सेव होता है। आपको पता है आजकल दुनिया कितना तेज है और कितना बिजी हो गई है कि उनके पास लेंथी मैसेजेस रीड करने का, उनको इंटरप्रेट करने का टाइम नहीं है। सेकंड, इट अंडरलाइंस एंड हाइलाइट्स द मेन मैसेज एज इट अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। कंसाइजनेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, उसको अंडरलाइन या हाईलाइट किया जा सकता है और इसमें नीडलेस यूजलेस वर्ड्स यूज करने से अवॉइड किया जाता है। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। बिल्कुल शॉर्ट मैसेज होता है, एसेंशियल वर्ड्स का यूज करके ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाया जाता है। कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। और दूसरी बात ये कि जो ऑडियंस या रिसीवर या रीडर होते हैं, उस कंसाइज मैसेज को समझना भी उनके लिए इजी हो जाता है। कंसाइज मैसेज इज नॉन रेपिटेटिव इन नेचर। डेफिनेटली जब हम कंसाइजनेस की बात करते हैं, किसी मैसेज को ब्रीफ करने की बात करते हैं, तो उनमें ना तो हम ज्यादा वर्ड्स रिपीट करते हैं और ना ही हम एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा असल पर्पज ही उसमें कंसाइजनेस लाना होता है, उस मैसेज को ब्रीफ करना होता है। फिर है कॉर्डेसी। कॉर्डेसी क्या होता है? कॉर्डेसी इन मैसेज इंप्लाइज द मैसेज शुड शो द सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रेस्पेक्ट द रिसीवर। हमारा जो मैसेज है उसमें रेस्पेक्ट का, गुड मैनर्स का, जो मॉरल्स हैं उनको बिल्कुल कंसीडर किया जाए और जो रिसीवर की रेस्पेक्ट है उसका बहुत ख्याल रखा जाए। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुसियास्टिक। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें कॉर्डेसी को मदद रखते हुए अपने मैसेज में इनको कंसीडर करना चाहिए। कॉर्डियस मैसेज हैज फॉलोइंग फीचर। कॉर्डेसी इंप्लाइज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज। जो रिसीवर का व्यू पॉइंट है, हम उसके अगेंस्ट या उसके अपोज में कोई मैसेज ना दें। सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारा रिसीवर है उसका क्या मेंटल लेवल है, उसके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। हम उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को अपने मैसेज के थ्रू हार्म करने की कोशिश ना करें। उसके बाद है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस, कंक्रीट कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग पार्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जनरल। पार्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक। जो हमने पॉइंट क्लियर करना है, जो कन्वे करना है, हम सिर्फ उसी पॉइंट को रिसीवर तक कन्वे करें, एंड क्लियर, और वो पॉइंट क्लियर भी होना चाहिए रेदर देन फजी एंड जनरल। फजी मीन कॉमन। हम एक पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट्स भी इनके जितने हैं ओवरऑल कोई पैगाम पहुंचा दें, जिससे क्लियरिटी नहीं रहती मैसेज में, कंक्रीटनेस नहीं रहती। जो पार्टिकुलर पॉइंट होता है वो मिस हो जाता है रिसीवर से। फजी मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर। कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस। कंक्रीट मैसेज हैज फॉलोइंग फीचर्स। इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। जो स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को कम्युनिकेशन में या मैसेज में मेंशन किया जाता है जो कि रिसीवर को रिक्वायर्ड होते हैं, रिसीवर के जानने के लिए जरूरी होते हैं। इट्स मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। कंक्रीटनेस में उन वर्ड्स को यूज किया जाता है विच आर विविड एंड क्लियर। थर्ड, कंक्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड। कंक्रीट मैसेज की ये बात होती है कि उनको मिसअंडरस्टूड या मिस इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। फिर है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंप्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। ये एक idiom है
यानी कि हम किसी के दिमाग के मुताबिक, किसी के माइंड में घुस के हम उसकी सोच के मुताबिक उसको कन्विंस करने की कोशिश करें अपने मैसेज के थ्रू। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन। हम जो ऑडियंस है हमारे, हम जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनको मैसेज दे रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वी शुड कंसीडर देम, वी शुड थिंक अबाउट देम। क्या सोचना चाहिए? द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यूज, जो ऑडियंस का व्यू पॉइंट है, जो उनका विजन है, बैकग्राउंड। वी मस्ट नो एंड वी मस्ट कंसीडर द बैकग्राउंड ऑफ अवर ऑडियंस, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल, माइंडसेट, बैकग्राउंड एंड व्यू पॉइंट्स आर द थिंग्स विच शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ ऑडियंस। इंश्योर दैट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस इज मेंटेन्ड एंड देयर इमोशंस आर नॉट हार्म्ड। मॉडिफाई योर वर्ड्स इन मैसेज टू सूट द ऑडियंस नीड्स व्हाइल मेकिंग योर मैसेज कंप्लीट। हमें कंसीडर करना चाहिए कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, तो हम उनके इमोशंस, उनके रिलीजन और उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें। हम इस तरह के वर्ड्स चूज करें विच आर अप्रोप्रिएट। फीचर्स ऑफ कंसिडरेट कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। एम्पेथाइज विद द ऑडियंस। एम्पेथी मीन फीलिंग्स ऑफ कंपैशन, हमदर्दी, किसी के दुख को, किसी के तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ऑडियंस के साथ कंपैशन के साथ वो कम्युनिकेट करना है। एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस, और ऑडियंस के अंदर हमें इंटरेस्ट दाखिल करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। इससे हमें ऑडियंस से एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस। ऑप्टिमिज्म मीन हमें हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं, और वही पॉजिटिव पॉइंट्स हमें ऑडियंस के सामने रखने हैं। एम्फसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल। हमें इस बात पर जोर देना है कि क्या क्या मुमकिन है, व्हाट कैन वी डू, रेदर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। हमें ऑडियंस को कन्विंस करना होगा कि हम क्या पॉसिबिलिटीज आपके लिए ला सकते हैं, ना कि हमें उनको बताना होगा कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें इम्पॉसिबल हैं। सो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर कम्युनिकेशन। डियर ऑडियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।